हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और खूब खुश होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ठंडी का मौसम है तो आप सभी को तो पता ही है, पर मेरे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत ही ठंड लग रही थी, अंदर बैठे बैठे इतनी ठंड लग रही थी, तो मैं सोची चलो भाई क्यों ना बच्चों के साथ में बच्चे ही बन लूँ मैं भी, तो थोड़ा अपने बच्चों के साथ में खेलने लगी हूँ। और ठंडी का मौसम चल रहा है तो बच्चों को बाहर जाने नहीं देती हूँ, तो मैं सोची ना थोड़ा इनका भी टाइम पास होगा और साथ मेरे को भी अच्छा लगेगा ना। तो अच्छा किया या ख़राब किया है तो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। चलो कोई नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब मैं तो भाई मस्ती कर लेती हूँ अपने बच्चों के साथ में, और बच्चों के साथ में बच्चा ही बनना पड़ता है, तो बच्चों को भी कभी कभी अच्छा लगता है, पसंद आता है ना, तो अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं भी खेल ली, तो दोस्तों इसके बाद में मैं थोड़ा सा चलो आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर पार्क में। और ये है दोस्तों शाम के टाइम, और वो जो था सुबह, मतलब मैच खेल रही थी ना, सुबह का टाइम था तो शाम का टाइम है, थोड़ा धूप निकल आई थी। तो मैं दोस्तों ना बाहर लेके गई पार्क में, और सुबह का टाइम जब मैच खेल रही थी तब दोस्तों टाइम हुआ था 11:30 बजे का टाइम था, और मैं अभी बाहर जब निकली हूँ तो टाइम हो रहा है दोस्तों 2:00 बजे का टाइम है, 2:00 बजे का टाइम है। तो मैं सोची चलो, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैं सोची चलो बाहर में थोड़ा सा बच्चों को अपने घुमा के लेके आती हूँ, और इनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी बच्चों को बाहर भी ले जाना चाहिए और ख़ुद भी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए ना, तो थोड़ा मतलब मन हल्का होता है, जो भी टेंशनबाजी होती है, जैसे ना घर में बैठे बैठे फालतू की बातें सोचते सोचते तो दिमाग जो है ना एकदम टेंशन में हो जाता है ना। तो अगर टेंशन फ्री होना है तो बाहर ज़रूर थोड़ा जाना चाहिए, जहाँ पे खूब अच्छा लगे और सुकून भरा हो तो वहाँ जाना चाहिए, फिर अच्छा लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आई थी पार्क में, पार्क बहुत ही अच्छा था, तो मतलब धूप भी बहुत खिली खिली थी, आप देख सकते हो धूप भी बहुत अच्छी थी। तो मैं सोची चलो भाई बच्चों को घुमाती हूँ, थोड़ा खुद भी घूम के आती हूँ, और अच्छा भी लगेगा दोस्तों। घर में बैठे बैठे ना बहुत बोरिंग लगता है, और टाइम पास करती रहती हूँ ऐसे ही। और बताओ दोस्तों, आप ठीक हो ना? तो दोस्तों आप लोग एंजॉय करो, पार्क देख लो अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा पार्क है, ब्यूटीफुल पार्क है। मैं मिलती हूँ थोड़ी ही देर में। Thank you.
गई फिर से फटाफट। तो इधर देखो मेरे अर्चित जो हैं झूला झूल रहे हैं, और ये झूला अर्चित को बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि अर्चित उतर नहीं रहे थे, क्योंकि घोड़ा हॉर्स जो है ना तो ये इनको बहुत ही पसंद आया, तो ये भाई उतर नहीं रहे थे। तो दोस्तों मैं फटाफट वहाँ से निकली और मैं आ गई फटाफट निकल के, जल्दी लेके घुमा के आ गई, क्योंकि ठंडी होने से पहले मैं घर भी आ चुकी हूँ। तो घर में मेरा बहुत सारा बिखरा पड़ा था, तो मैं सोची चलो कपड़े वगैरह चेंज करके मैं फटाफट, और इधर जो मेरा सफाई वगैरह पड़ी थी उसको मैं शुरू कर दी हूँ, क्योंकि काम तो दोस्तों सब करने पड़ते हैं, करना भी चाहिए, और एक एक काम ध्यान रखना पड़ता है। कहीं देखो तो मैं इधर दिखा रही हूँ ना आप लोगों को उंगली से, यहाँ पे मेरे ना बच्चों ने सुबह सुबह कभी इन्होंने देखा ही नहीं, सुबह जला रात को शाम के टाइम में वही 6-7 बजे ऐसे ही कुछ टाइम में, मतलब शाम के टाइम जलाई होगी, मैं तो अंदर ही थी, आग जलाई तो दीवार भी काली हो गई। मेरे हस्बैंड ने देखा तो सुबह मतलब आए जब ले नाश्ता के लिए, तो मतलब वो नाश्ता करे तो मेरे को बोलने लगे मंजू ये क्या है काला करके रखा है पूरा दीवार, ठीक नहीं किया ना ये, ध्यान रखा करो थोड़ा। भाई बच्चों की वजह से मेरे को डांट पड़ गई, तो फिर वही मैं साफ़ सफाई कर रही थी, बच्चों को भी बोली ऐसा मत किया करो जो बोलने वाला काम हो ना, सफाई सबसे अच्छी होती, फिर काला वगैरह ना अच्छा नहीं लगता। दीवार जो ना मैंने पूरा ब्रश से लगा लगा के इसको मतलब धुलाई की थी, और उसके बाद छुट्टी है। तो दोस्तों मैं इधर लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद दोस्तों ना मैं सोची फटाफट लगा दे रही हूँ, क्योंकि आई थी ना पूरा गंदा पड़ा हुआ था और अच्छा नहीं लग रहा था देखने में भी। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगा के यहाँ पे गंदा वगैरह भर ली थी, भर के ये बाहर फेंक दी दोस्तों, तो मैं अभी भरी ही रही हूँ, बाहर तो नहीं फेंकी हूँ। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ मेरा चैनल बगैर सब्सक्राइब करें मत जाइएगा, कुछ इसी तरह से आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को मेरे को फॉलो करना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी मेरी है manjipal358, तो इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो कर सकते हो आप। तो इधर मैं अपने बच्चे का कपड़ा सही कर रही थी, ये बोरी वगैरह थी दोस्तों, ये धूप में डाल के गई थी, तो इसको मैं फटाफट